वेलकम बैक टू माई चैनल. थैंक यू गाइज सो मच फॉर ऑल द विशेज. मुझे इतने सारे डीएम्स आए, इतने सारे कॉमेंट्स आए कि ऑनेस्टली बताऊं, मुझे खुद नहीं पता चला था एग्जैक्टली मेरे 100 के कब हो गए. सबसे पहले मुझे बताया कमल ने, बताया नहीं, कमल ने मुझे बोला चेक करो तुम्हारे कितने सब्सक्राइबर्स हो गए, 100 के हो गए क्या. एंड आई वाज लाइक कि मैंने चेक नहीं किया, सुबह से मैं देखती हूँ. एंड उस टाइम पे 100 के हो चुके थे. चेक ना करने का रीजन ये था कि मैं कुछ वीडियो शूट कर रही थी जिसके लिए मुझे काफी तामझाम करना पड़ा, तो आई वॉज बिजी द होल मॉर्निंग. तो उसके बाद जब चेक किया तो उसके बाद मैं इंस्टाग्राम पे गई, यूट्यूब पे गई और जब चेक किया तो देखा इतने सारे मुझे कमेंट्स आए हुए थे, इतने सारे मुझे डीएम्स आए हुए थे, इतने लोगों ने मुझे टैग किया हुआ था 100K के लिए कंग्रेचुलेशंस बोलते हुए कि मैंने बोला यार मेरे साथ साथ मतलब कितने लोग आप लोग थे जो वेट कर रहे थे 100K होने की. तो थैंक यू सो मच, दैट मीन्स सो मच टू मी कि मैं अपने 100K होने का इंतजार जितना कर रही थी, आप भी मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स 100K होने का उतना ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. तो थैंक यू सो वेरी मच गाइस. सो टुडे बेसिकली इज द ऑफिशियल सेलिब्रेशन ऑफ माई 100K. और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस तो है नहीं सेलिब्रेट करने के लिए, लाइक कहीं बाहर तो जा नहीं सकते हैं, तो एक ही तरीका है, जोजो की रसोई का एपिसोड भी नहीं आया है बहुत दिनों से और सेलिब्रेशन का भी टाइम है. तो ये दो रीजंस हैं दैट आई एम गोना बी सेलिब्रेटिंग बाय कुकिंग. एंड बाय कुकिंग आई मीन आई एम गोना कुक टू थिंग्स विच आर आवर मोस्ट फेवरेट. वन इज पिज्ज़ा, वी लव पिज्ज़ा, कमल एंड आई बोथ लव 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 पिज्ज़ा. And the second thing is going to be a cake. Yes. तो दोनों चीजें मैं आज कुक करने वाली हूँ. ऑनेस्टली बताऊं तो कल रात को भी मैंने पिज्जा बनाया था, पर कल मैं पहली बार बना रही थी तो आई डिड नॉट वॉन्ट टू व्लॉग. मैंने सोचा अच्छा बनेगा तो ही व्लॉग करूंगी, तो अच्छा हुआ कल रात को बना लिया था, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना. तो अभी थोड़ा सामान जो है वो बचा हुआ है तो मैंने सोचा आज पिज्जा भी बना लेते हैं. लंच हम पिज्जा का ही करने वाले हैं. सो या चलते हैं जल्दी से किचन में और सबसे पहले करते हैं पिज्जा की तैयारी. कमल इज वेरी वेरी हैप्पी कि मैंने 100K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं. थैंक यू. इसी खुशी में कमल ने अभी प्रोटीन शेक बनाया है. चीयर्स. प्रोटीन बनाना शेक. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट माय अचीवमेंट? इट इज सोली योर हार्ड वर्क. नो, यू वर योर डेडिकेशन, यू वर वेरी फोकस्ड, रिलेंटलेस और तुम काफी पारदर्शी थी. तुम्हें पता था कि तुम्हें क्या चाहिए और तुमने उसके लिए संकल्प, घोर संकल्प और ढेर सारी मेहनत की, उसके लिए तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच. कमल इज एक्चुअली वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज कमल हैज बिन द ओनली पर्सन जिसने इतना क्लोजली देखा है, ऑब्वियसली बिकॉज वी लिव टुगेदर. कमल हैज सीन दिस होल प्रोसेस सो क्लोजली दैट ही फील्स वेरी इमोशनल. कल काफी इमोशनल था, वो बहुत खुश था. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द किचन और अब हम बनाएंगे क्या? पिज्जा. नाउ द थिंग्स आर गोना बी वेरी इजी फॉर दिस पिज्जा, क्योंकि जो बहुत मेहनत वाला काम था वो मैंने कल ही कर लिया था. सो बेसिकली मेहनत वाला काम था मेन पिज्जा सॉस बनानी, क्योंकि मेरे पास पिज्जा सॉस नहीं थी. बट अगर आप लोग पिज्जा बनाना चाहते हो तो आप लोग बाहर से राशन के साथ पिज्जा सॉस मंगवा भी सकते हो, लाइक इफ यू वांट टू कीप इट वेरी सिंपल, नो हार्डवर्क एट ऑल, तो आप कर सकते हो. बट कल मैंने पिज्जा सॉस बना ली थी, उसका जो रेसिपी होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग देख लेना. काफी सिंपल है, बस टाइम लगता है सब रेसिपी तैयार करने में, बट इट इज वेरी सिंपल. सो नाउ सिंस आई हैव द पिज्जा सॉस रेडी विद मी, इट्स गोना टेक वेरी लेस टाइम टू मेक पिज्जा. ओके, दिस इज द पिज्जा सॉस जो मैंने कल तैयार की थी घर पे ही और बहुत ही ज्यादा एक नंबर बनी थी मतलब. और ये है पिज्जा के बेस जो मैंने बाजार से मंगवाए थे, तो मेहनत और कम हो जाती है. 80 रुपीज का पैक है और इसमें 4 थे. कल हमने एक बनाया और 2 मैं आज बनाऊंगी. साथ साथ मैं पी रही हूँ जो प्रोटीन बनाना शेक कमल ने बनाया है. मैं अभी तक बनाना शेक जो बना रही थी उसमें थोड़ी सी चीनी डाला करती थी, बट अभी हम लोगों ने शुगर और कट करने की कोशिश की है क्योंकि लॉकडाउन में हमारी शुगर बहुत ज्यादा हो गई है, शुगर का इनटेक. तो अभी कमल ने शुगर की जगह उसमें प्रोटीन डाला है तो बहुत ज्यादा टेस्टी बना है. मैंने अभी एक सिप ले चुकी हूँ, बहुत टेस्टी है. ओके, लेट्स गेट इनटू दिस.
ओके तो मैं बनाने जा रही हूँ वेज पिज्ज़ा, और वेज पिज्ज़ा में मतलब वेजिटेबल्स डलेंगी, तो जो जो भी वेजिटेबल्स हैं मेरे पास, ज़्यादा ऑप्शन नहीं है. सो मैं सबसे पहले ले रही हूँ शिमला मिर्च, उसको मैंने काट लिया है. अब शिमला मिर्च को मैं क्या कर रही हूँ कि ये विनेगर लेके, जिसको हम हिंदी में सिरका भी बोलते हैं, वो थोड़ा सा लेके उसमें वाटर मिक्स कर रही हूँ थोड़ा, और जो कटी हुई शिमला मिर्च है सारी, वो सारी इसके अंदर डाल रही हूँ और इसको साइड कर रही हूँ. सो लाइक इसको आपको डिप करके कुछ 15 से 20 मिनट साइड में रख देना है. अब दूसरी चीज़ मैं ले रही हूँ प्याज, जो कि मुझे पिज्ज़ा में बहुत अच्छे लगते हैं अनियंस, तो वो भी मैं ऐसे लंबे लंबे काट रही हूँ और इनको इस तरीके से अलग अलग कर रही हूँ, सो दैट जब मैं पिज़्ज़ा पे डालूँ और खाऊँ तो ये बहुत बड़े बड़े चंक्स मेरे मुँह के अंदर नहीं आए, ये अलग अलग मैं कर रही हूँ. उसके बाद जितनी देर मेरी शिमला मिर्च डिप हो रही है, मैं बाकी की तैयारी करूँगी, जिसमें सबसे पहले मैं रख रही हूँ इस कढ़ाई को जिसमें हम एक्चुअली पिज़्ज़ा बनाने वाले हैं. इस कढ़ाई के अंदर मैं डाल रही हूँ ये नमक, ये मैं 2 बार यूज़ कर चुकी हूँ नमक, यही नमक आप बहुत बार बेकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, लाइक 20-25 बार. सो कल भी मैंने पिज़्ज़ा इसी नमक पे बनाया था, वापस मैंने इसको संभाल के रख दिया था, वापस इसी नमक को मैं यूज़ करूँगी और कढ़ाई के अंदर डाल के इस कढ़ाई को मैं ढक के रख दूँगी गर्म होने के लिए, तो इसको जैसे प्री हीट कर लूँगी. जितनी देर मेरी कढ़ाई गर्म हो रही है, शिमला मिर्च भीगी हुई है विनेगर के अंदर, उतनी देर मैं बेस तैयार करूँगी. ये बेस है माखिट का बेस है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा काम करना नहीं पड़ता है. वैसे ये छेद भी हो रखे हैं इसके अंदर, बट स्टिल मैं थोड़े बहुत इसके अंदर और छेद कर रही हूँ, क्योंकि वो जो छेद होते हैं वो धीरे धीरे देखा जाए तो बंद हो जाते हैं, तो मैं फ्रेश इसके अंदर होल्स कर रही हूँ फोक की मदद से. नेक्स्ट स्टेप हमें करना है कि आपको इसके ऊपर, पिज़्ज़ा बेस के ऊपर हल्का सा पानी लगाना है. अगर आपके पास ये ब्रश है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप नॉर्मली हाथ से भी लगा सकते हो. थोड़ा सा पानी में लगा रही हूँ सो दैट थोड़ा ये जो छेद वेद हैं उनके अंदर भी पानी चला जाए. इससे आपका जो पिज़्ज़ा का बेस है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, थोड़ा सॉफ्ट बनेगा. अब ये जो पिज़्ज़ा सॉस मेरे पास तैयार पड़ी हुई थी वो मैं इसके ऊपर सारे में लगा रही हूँ. आप ये पिज़्ज़ा सॉस, जैसे मैंने पहले भी बताया, आप मार्केट से भी ले सकते हो, आपको बनी बनाई भी मिलती है मार्केट में, और अगर आपको घर पे बनानी है तो काफ़ी सिंपल रेसिपी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने रेसिपी की लिंक दे दी है, वो आप चेक कर लेना. इसके बाद पिज़्ज़ा का जो चीज़ होता है वो अलग होता है, लेकिन मेरे पास ये नॉर्मल वाला चीज़ पड़ा था तो मैं पिज़्ज़ा में यही वाला यूज़ करने वाली हूँ, नहीं तो यूजुअली मोज़रेला चीज़ हम यूज़ करते हैं पिज़्ज़ा में. तो ये वाला मैं इस तरीके से ग्रेट करके तो एक परत जो है चीज़ की लगा दूंगी, और उसके बाद इतनी देर में मेरी जो प्याज़ हैं और शिमला मिर्च हैं वो भी तैयार हो गए हैं. प्याज डाल दूंगी और शिमला मिर्च दोनों इस पे इस तरीके से मैं प्लेस कर दूंगी. आपके पास कोई और भी सब्ज़ी है जो आप यूज़ करना चाहते हो, जैसे कि कॉर्न्स, आई रियली वांटेड टू यूज़, मुझे बहुत पसंद है स्वीट कॉर्न्स यूज़ करने, मतलब पिज़्ज़ा का मुझे बहुत अच्छा लगता है पिज़्ज़ा में स्वीट कॉर्न्स, पर मेरे पास नहीं है तो अभी इट्स फाइन. तो मैं सिर्फ प्याज और शिमला मिर्च से ही काम चलाऊँगी. आप कोई भी सब्ज़ी जो आपको लगता है आप मार्केट से पिज़्ज़ा मंगाते हो उसमें जो भी आपको अच्छा लगता है आप उस बारे में आप उस सब्ज़ी को यूज़ कर सकते हो. सो वंस दिस इज़ प्लेस्ड, मैं क्या करूँगी कि मैं जो चीज़ है थोड़ा सा और लूँगी और उस चीज़ को मैं एक बार और ऊपर एक परत लगाऊँगी, सो दैट ये आपस में जो सब्ज़ियाँ हैं वो, जो मैंने प्याज और जो शिमला मिर्च लगाई है, वो बेसिकली आपस में सब कुछ चिपक जाए चीज़ से और वो बाहर अलग से गिरे नहीं सब्ज़ियाँ. नॉट दैट वैसे भी गिरेंगी, बट आई थिंक मुझे ऐसा करना अच्छा लगा तो मैंने एक और परत ऊपर डाल दी है चीज़ की इस तरीके से. नाउ आई एम टेकिंग दिस, ये चिली फ्लेक्स हैं, ऑप्शनल है आपको डालना है आप डालो, नहीं तो कोई बात नहीं, बट इससे थोड़ा सा बाहर बाज़ार वाले पिज़्ज़ा का टेस्ट आएगा आपको अगर आप डालोगे. सो चिली फ्लेक्स, और ये मेरे पास ऑरिगेनो है. अगर आपने कभी पिज़्ज़ा बाहर से मंगाया होगा तो उनके साथ ये दोनों चीज़ें आती हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास अलग से नहीं है. तो चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डालने के बाद मेरा पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है. अब मैं नॉर्मल एक स्टील की प्लेट ले रही हूँ और इसके ऊपर इस पिज़्ज़ा को प्लेस कर रही हूँ, और नॉर्मली मतलब जैसे कढ़ाई में रखते हैं, ये कढ़ाई गर्म हो चुकी है, उसके अंदर मैं बहुत ध्यान से इस पिज़्ज़ा को रखूँगी. ध्यान से रखना कहीं ये जो नमक है सारा गलती से प्लेट के ऊपर ना आ जाए, तो इसको आराम से इस तरीके से रख के और मैं वापस से ढक दूँगी. दैट्स इट. ऊपर अगर आपको लगे थोड़ा सा गैप है, भाप बाहर निकल रही है, तो मैंने ऊपर एक वेट रख दिया है, अपना चकला रख दिया है, एंड दूसरा पिज़्ज़ा भी मैंने रेडी कर लिया है और इसको भी मैं इसी तरीके से बेक करूँगी. ओके, बीच बीच में देख लेना चाहिए. हाँ, ये देखो मेल्ट होना शुरू हो गया और चीज़ें पकनी शुरू हो गई हैं. यस मिष्टी, नो गुड गर्ल मिष्टी.
दूसरा भी होने वाला होगा, लेट्स चेक। अगर आप दोनों को पिज्जा खाना है तो पहले ये बताओ कि ह्यूमंस को ही क्यों कोरोना वायरस हो रहा है और एनिमल्स को क्यों नहीं हो रहा? ऐसा आपकी बॉडी में क्या है, क्या आप लोग हमें दे सकते हो? दोनों की लॉन्ग डिस्टेंस कॉल आ गई है। They don't care. They only want pizza. They want pizza. They want everything that we eat, but they will not give their immune system to us. Attu, नहीं दे रहे पप्पू पिज्जा? नहीं दे रहे मेरे सोना? नहीं अच्छा नहीं है ना आपके लिए बाबू, इट्स नॉट गुड फॉर यू। मिष्टी पप्पू कहाँ गए? अपने हाल देख लो, बाल देख लो अपने। अच्छा बैंड लगा वाला। ओके नाउ वॉचिंग अ न्यू सीरीज, इसका नाम है कुछ शिट्स क्रीक करके कुछ नाम है। मैंने देखनी शुरू करी थी, मैं सीजन 2 पे पहुंची हूँ और अभी, क्योंकि थोड़ा कॉमेडी टाइप है ये, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है लाइक यू हैव टू वॉच इट फ्रॉम द बिगिनिंग। सो कमल ऑल्सो सेड कि मैं भी तेरे साथ कुछ देख लेता हूँ, तो मैंने बोला ये चल रहा है, तो ही वॉज ऑल्सो ज्वाइनिंग नाउ। तो अब हम दोनों बैठ के आराम से अपना आईपैड पे ये देखेंगे। देखते देखते सो गए कमल और दोनों बच्चे। ओके गाइस, इट्स टाइम फॉर अनदर डिश जो कि है केक। मैं बनाने वाली हूँ बिस्किट्स के साथ केक और रेसिपी दिखाऊंगी। और बाय द वे ये पिज़्ज़ा की जो रेसिपी है और जो केक की रेसिपी होगी, दोनों की जो ओरिजिनल रेसिपी है जिनकी रेसिपी देख के मैंने ये रेसिपी बनाई है, उनका लिंक मैं दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू टेक क्रेडिट्स फॉर दीज रेसिपीज, दीज आर नॉट माइन। मैंने चैनल पर देखी है, दोनों के लिंक्स मैं एनी वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो यू गाइस कैन चेक दैट। नाउ लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग द केक। सो इस रेसिपी के लिए लिया है मैंने पहले एक हाइड एंड सीक का बिस्किट का पैकेट और दो ओरियो के पैकेट, और इनको मैं थोड़े थोड़े करके, क्योंकि जार मेरा इतना बड़ा नहीं है कि सब इकट्ठा हो सके, तो एक एक पैकेट लेके मैं इसको पूरा अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, मतलब पूरा अच्छे से पीस रही हूँ फाइन, इसका जो चूरा हो जाए बिल्कुल। अब लास्ट टाइम जब मैं लास्ट पैकेट जो मैं ब्लेंड कर रही हूँ उसमें मैं दो चीज़ें मिक्स करूँगी। पहली मैं मिक्स करूँगी चीनी, हाफ कटोरी मैंने चीनी ली है, और बेकिंग पाउडर लिया है मैंने बहुत ही इतना थोड़ा सा, और दोनों को अब मैं वापस मिक्सर में घुमा लूँगी और सारा का सारा जो चूरा है वो इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा दूध, पहले मैंने तकरीबन डाला है 2 कप दूध, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके डालो, बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो जाए ये जो आपका बैटर है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालो, फिर अगर आपको लगे कि थोड़े की और ज़रूरत है तो ही आप इसमें डालो। सो इस तरीके से आपको खूब अच्छे से इसको मिलाना है, मतलब बहुत अच्छी इसकी जो पेस्ट होती है वो चाहिए, जितना अच्छा आप इसको मिलाओगे ना उतनी अच्छी आपकी कंसिस्टेंसी आपको मिलेगी। सो इसमें थोड़ी सी मेहनत होती है, लेकिन अच्छे से आपको इसको मिलाना है, और अगर आपको लगे किसी भी स्टेज पे कि आपको थोड़ा सा दूध और चाहिए तो आप थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हो, अदरवाइज़ अगर ज़रूरत नहीं लग रही है तो ठीक है। मुझे यहाँ पे ज़रूरत लगी तो मैंने हल्का सा और दूध डाल लिया, और इसकी फ़ाइन इतनी मतलब कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जो आपको दिख रही है इसमें, इस तरीके की, तो केक बहुत ही अच्छा बनेगा आपका। और उसके बाद मैंने एक सेम कढ़ाई जो मैंने एक्चुअली पिज़्ज़ा के लिए यूज़ की थी, मैं वही वाली यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इसमें मैं नमक का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नो द रीज़न, बट ज़रूरत नहीं है, जब मैंने पहले केक बनाया है तो मुझे नमक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और ये इस तरीके की कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। अब मैंने नॉर्मल एक बर्तन लिया है जो भी मेरे पास था, उसके अंदर मैंने इसको डाल दिया। मैं एक फुटेज लेना भूल गई, मैंने इस बर्तन को ना बटर से थोड़ा सा
पूरा लगाया है बटन बटर इसके सारे साइड्स पे बर्तन के, उसकी मैं फुटेज लेना भूल गई तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद मैंने ये फॉइल का टुकड़ा है जो फोल्ड करके नीचे रखा है ताकि जो ये बर्तन है वो डायरेक्ट मेरी कढ़ाई से टच ना हो, और फिर उसको मैंने ढक के रख दिया है। अब नेक्स्ट मैं क्या कर रही हूँ कि बादाम और काजू, ये ऑप्शनल है ऑब्वियसली, अगर आपके पास हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई चक्कर नहीं है। इनको मैंने बारीक बारीक लंबा लंबा काट लिया है, और जब मुझे लगेगा ना मेरा जो केक है वो हाफ़ कह लो हाफ़ बेक हो चुका है, मतलब हार्ड हो चुका है लेकिन उतना नहीं, तो उसमें मैं फिर मिक्स कर दूंगी ये, मतलब मिक्स नहीं मतलब ऊपर इस तरीके से डाल दूंगी तो केक सुंदर भी लगेगा, और जब खाते वक्त जब मुंह में बादाम और काजू आएंगे तो बहुत ज़्यादा स्वाद लगते हैं। और ये सारा डाल के वापस से मैं इसको अब ढक दूंगी, तकरीबन 20 मिनट में ये केक तैयार हो जाता है। Okay guys, I think it should be done. Yes! Okay, अंदर कुछ डाल के देखते हैं अंदर. Yes, clean. Awesome! अब मैं इसको छोड़ दूंगी ठंडा होने के लिए काफी देर तक, मतलब कुछ 15 मिनट तक, और जब ठंडा हो जाएगा तो ये आसानी से इसमें से निकल जाएगा। खुगु देख। नहीं बट ठंडा होने मैं यही ले आई हूँ ठंडा होने के लिए, क्योंकि अंदर फिर देर में होगा ठंडा, यहाँ पे एसी चल रहा है। यस यस, लेट अस ईट। अरे मेरे से पंगे मत ले, मैं बता रही हूँ मिष्टी, मैं बता रही हूँ, छोड़ मेरे को, छोड़ छोड़, मैं बता रही हूँ। कौन पहले ले रहा है पिक्चर? काश मैं आप लोगों को भी खिला सकती, बट बहुत मस्त बना है, मस्त मस्त मस्त। बादाम और काजू के साथ ठंडा होने दो ना थोड़ा, छीन रहा है कोई? जिस स्पीड से हम ये खा रहे हैं उस स्पीड पे मुझे लग रहा है ये खत्म होने वाला है। Guys, you have to try this one. I have linked the video जिसको देख के मैंने बनाया, so you guys can definitely make it. और सारी चीज़ें बहुत आसानी से हमारे घर में अवेलेबल होती हैं, तो लॉकडाउन में अगर आपको बनाना है तो केक खाने का मन है, यू मस्ट ट्राई दिस वन। मन कर रहा है और खा जाऊं, लेकिन मेरी डाइट चल रही है आजकल, इतना खाने के बाद कह रहे डाइट चल रही है। सो गाइज थैंक यू सो वेरी मच 100 के सब्सक्राइबर्स के लिए, दिस वॉज आर सेलिब्रेशन, लिटिल सेलिब्रेशन। अब और कुछ तो कर नहीं सकते थे, सो मैंने सोचा कि जोजो की रसोई का एक एपिसोड भी आ जाएगा, आप लोग पिज्ज़ा भी सीख लोगे, केक बनाना भी सीख लोगे जिस जिसको नहीं आता, और हमारे 100 के सब्सक्राइबर्स जो हैं वो सेलिब्रेट भी हो जाएंगे। तो या मैं काफ़ी बार थैंक यू बोल चुकी हूँ, बट आई डोंट थिंक इट्स इनफ। थैंक यू सो मच एंड आई होप यू ऑल विल स्टिक बाय मी एंड माई चैनल, और मेरी वीडियोज़ ऐसे ही देखते रहना और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहना। थैंक यू सो मच मेरी तरफ से और कमल की वजह से। थैंक यू सो मच गाइस। क्या इलेक्शन में खड़े होते तुम? नहीं पर हमारे यहाँ हमारी हिंदू संस्कृति है, हम हाथ जोड़ के नमन करते हैं लोगों को, जब उनको शुक्रिया या धन्यवाद बोलते हैं। काट दूंगी, बकायदा काट दूंगी, मेरे आगे तो तुमने कभी नहीं हाथ जोड़े। जलती है लड़की मेरी। नहीं बताओ, मेरे आगे तो नहीं तुमने हाथ जोड़े, बताओ पहले मुझे। है नहीं, उसमें लोगों को अभिनंदन करने के लिए बोला जाता है। तो मेरा अभिनंदन भी कर दिया करो तो कभी। कैमरा कट करो, भी अभिनंदन करो। एनीवे थैंक यू गाइस सो वेरी मच, आई होप आप लोगों को ये वीडियो देख के एंजॉय आप लोगों ने किया, और
अगर आप लोग केक ट्राई करते हो या ये वाला पिज्ज़ा ट्राई करते हो तो मेरे को हमेशा की तरह टैग कर देना. एंड या दिस इज इट. थैंक यू सो वेरी मच. आई एम गोइंग टू बी सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. सो टिल देन बाय बाय. टेक केयर गाइज.